नहीं नहीं तुम्हें लगी हो ना, ठीक है तुम ऐसे करो, यहाँ बैठो। जानवी जी झोंके, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम शांति से यहाँ बैठो, मैं अभी एक बैंडेड लेकर आती हूँ। मेरे बैग में हमेशा एक बैंडेड रहती है। रुको, ये कियान के लिए हमेशा पर्स में रखती हूँ। मिल गए, कार्टून वाली बैंडेड है, ये मैं नहीं लगाऊंगा, प्लीज। तुम बच्चे वाली जिद कर रहे हो। मैं बड़ों की जिद कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये कौन लगाता है इसे जानवी जी? नहीं प्लीज, मुझे मेरे पास यही है, तुम्हें चोट लगी सिर पे और यही लगाना। जानवी जी मुझे नहीं लगा। चुपचाप बैठो और मुझे बैंडेड लगाने दो। बस हो गया, सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुमको। सुनो, तुम तब तक यहाँ आराम करो, मैं फाइल ढूंढने जाती हूँ। ये रह गई थी मेरा फोन, ये इसका मेरी भाभी के 9 मिस कॉल्स। मेरा कियान तो ठीक होगा ना? कॉल लगाती हूँ, बिजी आ रहा है। जानवी फोन उठा ले, जानवी फोन नहीं उठा ले, उसका लग नहीं रहा। जानवी जानवी फोन उठा। अरे मौड़ी जान, परेशान काहे हो रही है? अरे दादी, दादी जानवी फोन नहीं उठा रही और हमने ना इनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। पुष्कर को? हाँ दादी, दादी ये ना फोन पे किसी को कह रहे थे कि जानवी घर पे नहीं आई है, कि आना अकेला है। और वो दादी वो चाइल्ड वेलफेयर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाल कल्याण केंद्र। हाँ। दादी ये उनको भी बुलाने के लिए कह रहे थे। ये ना बस ये साबित करना चाहते हैं कि जो जानवी है वो गैर जिम्मेदार है। भाभी का मैसेज, जानवी घर पर जल्दी आ, पुष्कर को कहते हुए सुना कियान घर पर अकेला है तो चाइल्ड सर्विस वालों को बुलाओ। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई है भैया? जानवी, वॉचमैन भैया कोई है, प्लीज ये दरवाजा खोलो। अभी कोर्ट बंद हो चुका है और बाहर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले मेरे कियान को ले जाएंगे।